हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 3.9 करते हैं हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। देखो इसमें क्या कहता है, आपको कहता है टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। पहले इतनी बात करते हैं, देखो टू पैरेलल ट्रैक्स हैं, उन पे जो है दो ट्रेन इस तरीके से दौड़ रही हैं। देखो जैसे ये एक ट्रेन बना दी मैंने यहाँ पर, ये ठीक है, इस तरीके से मान लो, ये ऐसी समझ लेना, ठीक है, ये बना दी और एक ट्रेन मैंने यहाँ पर बना दी इसके पैरेलल ही, ठीक इस तरीके से। लेकिन ये दोनों कैसे जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। मतलब क्या है कहने का, मान लो ये हमने नॉर्थ माना, ठीक है, और ये माना हमने साउथ, ठीक है। तो जो ट्रेन ए मूव कर रही है वो नॉर्थ में कर रही है, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये हमारी ट्रेन ए है, ठीक है, और ये हमारी ट्रेन कौन सी है, बी है, ठीक, और ये मूव कर रही है साउथ में, ट्रेन बी मूव्स साउथ विद अ स्पीड ऑफ कितनी है यहाँ पर, ये 90 किलोमीटर पर आर की। क्लियर है इतनी बात, बताओ आगे आपसे पूछता है, कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब रिलेटिव वेलोसिटी वाली कहानी आपको पता ही है, वेलोसिटी ऑफ बी बतानी है आपको विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, कि विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या है, जो ट्रेन ए में से देख रहा है बी को, उसके लिए ट्रेन बी की स्पीड क्या है। देखो ये जो स्पीड दी होती है ना, जैसे यहाँ पर ये उसने दी है वेलोसिटी ऑफ बी, और ये यानी कि स्पीड ऑफ बी, और ये दी है उसने स्पीड ऑफ ए, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या होती है, ग्राउंड ही होती हैं सारी, ठीक है, इस तरीके से दी होती है। तो मतलब क्या, ये इंडिविजुअल ग्राउंड से कोई देख रहा है तो वो इतनी इतनी स्पीड पर चल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बात जब करता है कि बी की स्पीड बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब अब ए में से कोई अगर बी ट्रेन को देख रहा है तो क्या स्पीड होगी, बिकॉज ट्रेन ए भी इधर चल रही है और ट्रेन बी इधर चल रही है, तो अब जो ट्रेन ए वाला है उसको ये 90 किलोमीटर पर आर से ही नहीं दिखाई देगी, समझ रहे हो बात, क्योंकि ट्रेन ए भी तो मूव कर रही है तो उसमें उसकी भी वेलोसिटी कुछ आ गई या स्पीड आ गई। अगर ग्राउंड पे है देखते तो उसे 90 किलोमीटर पर आर दिखता, क्योंकि ग्राउंड तो क्या है हमारा, रेस्ट पर है, क्लियर है। लेकिन ट्रेन ए से जब बी को देखेंगे तो कुछ और आ जाएगी। तो यही रिलेटिव वेलोसिटी है कि बी का विद रिस्पेक्ट टू ए हमें फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ बी माइनस स्पीड ऑफ ए होती है। अब इसमें क्या है, प्लस माइनस का आपको ध्यान में रखना है। देखो अगर हम एक्स एक्सिस मान लें, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये वाला हम देखें, अगर इस साइड वाला क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, और इस साइड कुछ मूव करता है तो ये हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे ऐसे मान लिया हमने ये, तो जो मूव नॉर्थ की तरफ कर रही है वो पॉजिटिव लेंगे वैल्यूज, ठीक है, और जो मूव किधर करेंगी हमारी, इस साइड करेंगी साउथ की तरफ, उनको हम नेगेटिव लेकर चलेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ये चीज़ें आपको क्यों समझनी है, देखो क्योंकि यहाँ हमें निकालनी है वेलोसिटी, ठीक है ना, बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटीज़ क्या है हमारी, डायरेक्शन भी होती है इनके अंदर, तो ये प्लस माइनस वो डायरेक्शन को ही बताती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये स्पीड दी हुई है तो ये भी हम स्पीड ही निकालेंगे, ठीक है, यहाँ इसमें स्पीड बोल दिया इसको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको वो डायरेक्शन भी बता रहा है, तो एक तरह से ये वेलोसिटी ही है, विद डायरेक्शन बता रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हम निकालेंगे जब, तो वेलोसिटी ऑफ बी जो है हमारी, देखो इसमें सबसे पहला काम क्या करो आप, इसको ना मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर है। तो कहीं भी हमने देखा होगा किलोमीटर पर आर को हम हमेशा किस में करते हैं, मीटर पर सेकंड में, आप बुक में भी देख लेना एनसीईआरटी में, ठीक है, तो बहुत ईजी है वो। तो जैसे हम कहें वेलोसिटी ऑफ ए जो है हमारी वो 54 किलोमीटर पर आर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं बताओ, जैसे 54 है, किलोमीटर को हम 1000 मीटर लिख सकते हैं, और आर को सेकंड में जब लिखते हैं हम तो 3600 लिखते हैं। तो देखो इसको कट करो आप, तो ये 2 5 10 और 2 1 2 8, तो ये 5/18 बनता है। तो हम डायरेक्ट हमें पता किलोमीटर पर आर को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 18 3 5 कितना हो गया, ये 15 मीटर पर सेकंड। अब देखो जरा ये आ गया, अब बी की भी निकाल देते हैं हम वेलोसिटी, ये देखो 90 है, इसको भी 5/18 से करेंगे तो 18 5 5 ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड आ गया, क्लियर है। अब वैल्यूज रखेंगे, देखो वेलोसिटी ऑफ बी जो है हमारी, देखो किस तरफ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, इस साइड जा रही है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, तो हम ये ले लेंगे कितना हमारी, मतलब ये हमारी कितने कन्वर्ट हो गई 25 मीटर पर सेकंड में, और ये कन्वर्ट हो गई हमारी कितनी 15 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है।
तो ये हम बी वाली इस साइड जा रही है, यानी कि ये ट्रेन, तो ये माइनस में लेंगे इसकी वेलोसिटी, तो माइनस का ये आ जाएगा आपके पास 25, फिर ये माइनस का साइन लगा हुआ है, और ए वाली हम पॉजिटिव ही रखेंगे बिकॉज ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो हम ये प्लस का इस वाली की, देखो ये माइनस तो ये वाला आया, अब वी ए की वैल्यू तो हमने 15 ही रखी है, ठीक है, अगर ये अपोजिट साइड जा रही होती और ये वाली इधर जा रही होती तो ये वाली मैं प्लस में रखता, और ये वाली अगर इधर जा रही होती तो मैं यहाँ पर ये माइनस लगा के फिर इसको भी माइनस में रखता, ठीक है, ये चीज़ें तो पता है आपको। तो ये देखो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 25 में 15 ऐड करोगे तो 40 आएगा, 40 मीटर पर सेकंड। अब ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस में 40 मीटर पर सेकंड आया, इसका मतलब क्या है कि जो ये आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया है अब कि 40 मीटर पर सेकंड है किसकी वेलोसिटी या स्पीड, ट्रेन बी की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, और 40 मीटर पर सेकंड फ्रॉम, लिखेंगे हम ये यहाँ पर फ्रॉम, कैसे है ये माइनस की साइन है तो यानी कि साउथ की तरफ, माइनस वाले हमने साउथ की तरफ लिया तो साउथ की तरफ जा रही है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ लिख देंगे हम, या फिर टूवर्ड्स साउथ या फिर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। बताओ जी कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो, ठीक है। तो जो स्पीड है हमारी वो कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड है किसकी, ट्रेन बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जो ट्रेन बी है वो ए में जो है बैठे हुए लोग हैं उनको कितनी स्पीड से दिखाई देगी जाती हुई, 40 मीटर पर सेकंड से जाती हुई दिखाई देगी टूवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारे पास इसका कौन सा ए पार्ट। अब बी पार्ट कर लेते हैं। देखो बी पार्ट में क्या कहता है आपको, कहता है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या है, देखो फॉर्मूला तो हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड आ जाएगा यहाँ और माइनस में वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू बी है ना, तो मतलब क्या है कि बी में बैठे हुए ग्राउंड की वेलोसिटी कैसी है। अब देखो आपको ग्राउंड तो रेस्ट पे होता है, लेकिन आप कभी अगर ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन अगर इस साइड जा रही है तो आपको ये, आप नीचे देखोगे तो ये जो धरती है ना आपको पीछे साइड जाती हुई दिखाई देगी अपने अपोजिट डायरेक्शन में। आप इधर जा रहे हो, ये चीज़ आपको इधर जाती हुई दिखाई देती है, कभी देखना, नोटिस करना, या फिर पेड़ भी होते हैं जो लगे हुए साइड में, ठीक है, तो वो भी आपको अपनी बैकवर्ड में जाते हुए दिखाई देते हैं, तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड के साथ भी यही है कि अगर ट्रेन बी मूविंग है तो ट्रेन बी में से ग्राउंड की कुछ वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी, तो कि कोई डायरेक्शन में होगी, ठीक है, क्योंकि ये मूव है तो ग्राउंड हमें लगता है कि पिछली साइड जा रहा है, ठीक है, तो वही कहानी है यहाँ पर। तो देखो ग्राउंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही अगर हम कह दें, ठीक है, वी जी हमेशा क्या होती है, वैसे तो ये रेस्ट भी होता है जीरो है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, बी के। जब भी आप ये देखोगे ना, जैसे बी लिखा है ना, तो ये बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये नॉर्मल जो स्पीड्स थी इनकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी, यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा होता तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता है, यहाँ सारे में मैं जी लिख सकता हूँ। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ना, वैसे भी सोचो, जैसे ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये वाली वी बी है, तो ये ऐसे ही लिखूंगा मैं वी बी माइनस वी जी, ठीक है। वी बी देख लो आपके पास कितनी है, वी बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख लो माइनस के 25, ठीक है, माइनस का 25 है इधर और ग्राउंड का जीरो है, तो ये माइनस का 25 भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, माइनस मतलब साउथ की तरफ है, और यही थी, ठीक है, तो यही वी बी की वैल्यू है, तो वही चीज़ होती है, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जरा, अब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो हमें पता है जीरो होती है, माइनस में, अब वेलोसिटी ऑफ बी यानी कि ये जो ट्रेन थी बी इधर जा रही है आपकी, ठीक है, और वेलोसिटी बोला तो डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी हमें, तो ये नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव साइन लगाऊंगा अब मैं, और ये कितनी स्पीड से है, 25 की स्पीड से, तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ इसका, माइनस माइनस प्लस, तो जीरो प्लस में 25 कितना हो गया हमारे पास, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो स्पीड है ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ट्रेन बी से देखने पे जो ग्राउंड की स्पीड है वो कितनी दिख रही है, 25 मीटर पर सेकेंड, और कहाँ से कहाँ, नॉर्थ की तरफ, तो मैं लिख दूंगा कहाँ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो साउथ टू नॉर्थ ग्राउंड हमें दिखाई देगा जाता हुआ, कहाँ से, ट्रेन बी से, क्योंकि हमें ग्राउंड की वेलोसिटी निकालनी थी विद रिस्पेक्ट टू बी। बताओ जी समझ में आई ये कहानी, बिल्कुल सिंपल है। अब अगला इंपॉर्टेंट है, देखो हम सी पार्ट को समझते हैं, बड़ा ईजी है वैसे तो, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या कह रहा है आपको, कहता है वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन, रूफ मतलब छत पे चल रहा है ट्रेन ए की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये मैं बना दूँ दोबारा से, ये ट्रेन बना दी हमने, ठीक है, ये ट्रेन बना दी हमने, ट्रेन ए अपनी, ट्रेन ए है, क्लियर, और ये नॉर्थ की तरफ चल रही थी, नॉर्थ की तरफ,
और ये है हमारा साउथ, ठीक है। नॉर्थ की तरफ चल रही थी किसनी स्पीड से, ट्रेन ए की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है हमसे, हाँ ट्रेन ए का ही कह रहा है, ठीक है ना, ट्रेन ए पर। और ट्रेन ए मूव हो रही थी 15 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आ था ना, इसको हमने चेंज किया था 15 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो कह रहा है जो वेलोसिटी है मंकी की रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए, रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, अगेंस्ट इट्स मोशन का मतलब क्या है कि अगर ये नॉर्थ की तरफ जा रही है तो मंकी कहाँ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। तो जैसे मान लो ये मैंने मंकी बना दिया, मंकी जा रहा है इस तरफ, पहली बात तो ये है, ठीक है, अगेंस्ट इट्स मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। अब ये वेलोसिटी मंकी की नहीं दे रहा सिर्फ, क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए कितनी दे रहा है वो आपको, ये 18 किलोमीटर पर आर। और खुद सोचो ये, अब ये साइन यहाँ पर कैसा आने वाला है इसका बताओ, माइनस का आएगा, क्यों आएगा माइनस का साइन बताओ, क्योंकि उसने बोल दिया था अगेंस्ट इट्स मोशन है। तो अगेंस्ट इट्स मोशन अगर ये चीज़ आपको बोल रहा है तो यानी कि ट्रेन ए तो इधर जा रही है, ये तो पॉजिटिव में हो गई, और ये इसके अपोजिट जा रहा है तो ये क्या होगी, इसकी माइनस ही होगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए ही बोल रहा है वो कि अगेंस्ट इट्स मोशन है, ठीक है ना। मतलब क्या है इसका कहने का कि ए ट्रेन से जब मंकी को कोई देख रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर दिख रही है, लेकिन अगेंस्ट इट्स मोशन यानी कि साउथ की तरफ दिख रहा है मंकी, किसको, ट्रेन ए में से लोगों को, कितनी स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर मैं इसको भी चेंज कर लूँ मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से करूँगा तो कितना आ गया ये हमारे पास, माइनस का 5 मीटर पर सेकंड। ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर उसने बोल दिया अगेंस्ट इट्स मोशन है, ट्रेन के अगेंस्ट मोशन में, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए की वेलोसिटी दे रहा है, तो यानी कि क्या, ट्रेन ए से मंकी को जब देखा किसी ने तो उसकी स्पीड कितनी दिख रही है, 5 मीटर पर सेकंड और टूवर्ड्स नॉर्थ दिख रही है, क्योंकि उसने ये चीज़ बोल दी, ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, आगे वो वेलोसिटी बोल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए की दे रहा है ये, ठीक है। तो यानी कि ए से कोई देख रहा है मंकी को तो उसको वो अगेंस्ट इट्स मोशन दिख रहा है, और कितनी स्पीड से दिख रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये माइनस में लेना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बताओ, अगेंस्ट इट्स मोशन बोल दिया उसने, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, वो कहता है एज ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब ये क्या कह रहा है, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन एज ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अब एक आदमी खड़ा है ग्राउंड पर, ग्राउंड से बताओ मंकी की, ग्राउंड से मंकी की आपको बतानी है क्या होगी स्पीड, ठीक है, या वेलोसिटी हम बात करें तो हम साइन लगा देंगे उसमें। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके, माइनस क्यों लगा, क्योंकि वहाँ उसने बोला था अगेंस्ट इट्स मोशन, ठीक है, माइनस लग गया, अगेंस्ट इट्स मोशन है, लेकिन उसमें साथ में ब्रैकेट में बोल भी रहा था कि वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, तो ऑब्वियस बात है ये VMA है मंकी की विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ट्रेन ए से जब मंकी को देखा तो कितनी स्पीड से जा रहा है वो, 5 मीटर पर सेकंड से अपोजिट में, क्लियर, ट्रेन ए से देखने पे लग रहा है ये चीज़, ठीक है, क्लियर इतनी बात। लेकिन अब ये आपसे पूछ रहा है कि एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, क्लियर, वेलोसिटी ऑफ मंकी जो है वो आपको निकालनी है, जो कि रन कर रहा है रूफ पर ट्रेन ए के अगेंस्ट इट्स मोशन, ठीक है ना, जो ट्रेन ए का उसके अगेंस्ट मोशन में, ये चीज़ समझ में आ रही है, वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालनी है, यहाँ कॉमा डाल दो चाहे, फिर आगे कह रहा है रनिंग ऑन द, जो कि रन कर रहा है रूफ पर ट्रेन ए के अगेंस्ट, ट्रेन ए के अगेंस्ट इट्स मोशन, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ये इधर मूव कर रहा है, और ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में जो है वेलोसिटी भी बता दी ब्रैकेट में 18 किलोमीटर पर आर की है, ठीक है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड किया जब ट्रेन ए से मंकी को देखा जा रहा है। तो आपसे वो कह रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैन तो ग्राउंड पर खड़ा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी, एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन, मैन कहाँ पर है, ग्राउंड पर है, तो यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट कहाँ पर करते हैं हम, जहाँ से हम देख रहे होते हैं, जैसे कि हमने कहा था वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब क्या, ट्रेन ए से देख रहे हैं हम बी को, तो ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ जो है हमें निकालनी है मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये सिंपल कहानी यही है कि अगर मैं सिंपल VMB निकाल दूं तो वो भी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था ये ट्रेन ए की दी हुई वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होती है सब, तो बड़ा सिंपल हो गया ये, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए हमें फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, क्लियर है इतनी बात, मंकी का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है ये, ठीक है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, तो यानी कि यही चीज़ निकल गई, तो मंकी का विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए हमें दी हुई है माइनस के 5, VM हमें निकालना है और VA हमारा है पॉजिटिव में, तो हम 15 पॉजिटिव में रखेंगे, माइनस का 5, ये माइनस इधर जाके प्लस का 15, ये रहा VM, तो VM कितना आ जाएगा यहाँ, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस का साइन आएगा, और प्लस माइनस माइनस है तो 15 में से 5 गया 10 प्लस का,
तो प्लस का 10 मीटर पर सेकंड वीएम आया है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्राउंड से जो आदमी देख रहा है, ठीक है, मंकी को, तो मंकी की जो स्पीड है वो उससे कितनी दिख रही है? 10 मीटर पर सेकंड, प्लस का साइन है, कहाँ दिख रही है? लेकिन नॉर्थ की तरफ दिख रही है। अब देख लो, जा तो मंकी इधर रहा था, लेकिन ग्राउंड से जो बंदा देख रहा है ना उसे, उसे वो कैसा दिखाई दे रहा है? नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। देख लो अब ये चीज़ क्या है, समझो जरा। देखो ये चीज़ क्लियर होगी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टुवर्ड्स नॉर्थ, या फिर आप लिख सकते हो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो टुवर्ड्स नॉर्थ जाता हुआ दिखाई देगा। अब देखो ये चीज़ क्यों हो रही है, देखो यहाँ पर बंदा खड़ा है ग्राउंड पे, ठीक, वो यहाँ से देख रहा है ट्रेन ए जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से, और ये जो मंकी है ट्रेन के रिस्पेक्ट में इधर कितनी स्पीड से जा रहा है? वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इधर ट्रेन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो ओब्वियसली जब आप बाहर खड़े हुए देखोगे इसको, तो ट्रेन तो जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से और ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो ओवरऑल आपको ये पूरा सिस्टम में दिखेगा। और ये जो मंकी है आपको यहाँ से बाहर से आपको ये नहीं दिखेगा कि इधर चल रहा है, वो तो ट्रेन में से दिख रहा है उसको कि इधर 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, क्योंकि ट्रेन में जो बंदा बैठा है वो तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही है कि नहीं बात? ठीक है ना, तो वहाँ से तो उसे दिखेगा ये 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, लेकिन जब आप बाहर खड़े हो तो आप देख रहे हो ट्रेन तो 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो ये वाला ऑब्जर्व आपको ऐसा होगा कि ये आपके रिस्पेक्ट में किस स्पीड से इधर चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, क्योंकि ट्रेन इधर जा रही है। क्लियर हो रही है बात इतनी या नहीं हो रही है, बताओ? ऐसा होता है हमेशा, बंदा इधर चल रहा है चाहे वो ट्रेन से तो अंदर बैठे हुए दिखेगा कि हाँ इधर चल रहा है, लेकिन बाहर आप देखोगे क्या कि वो ऑल ओवर पूरा सिस्टम ही चल रहा है ना, 15 मीटर पर सेकंड से पूरा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस बात है, इस सिंगल को हम जब देख रहे हैं तो ये इसके रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड इधर चल रहा है, तो इधर हमें ऑल ओवर कितना दिखेगा? वो 10 मीटर पर सेकंड चलता हुआ दिखेगा, बिकॉज ट्रेन चल रही है 15 मीटर पर सेकंड, तो इधर। क्लियर है इतनी बात या नहीं? तो मंकी हमें ऐसा लगेगा, अपीयर होगा ऐसा कि वो इस साइड ही जा रहा है, समझ रहे हो? ट्रेन इधर जा रही है, तो मंकी भी हमें ऐसे ही लगेगा कि ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है वो, लेकिन इधर। ठीक है, क्योंकि ये इधर भी चल रहा है ना, इस वजह से इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो जरा, कुछ समझ में आ रही है तो? ठीक है, तो ये दोबारा समझ लेना जिसको नहीं समझ में आई है बात। ठीक, तो ये कहानी है इसके अंदर। तो ये था एग्जांपल हमारा 3.9, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।